ये मानना है कि बीजेपी लखनपुर पर, जम्मू कश्मीर के लोगों ने आज आक्रोश में है और उन्होंने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना। जो लोग आज दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो लोग आज परेशान हैं, प्रभावित हैं उनकी जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उनसे, आपको देखना होगा कि लोग किस तरह से आज चाहते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल साहब का हाथ मजबूत किया जाए। आम आदमी पार्टी से वोमेन विंग की प्रेसिडेंट नम्रता शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तलिफ मसाइल को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि जम्मू और कश्मीर की सियासत की बात करें तो आम आदमी पार्टी के बाद एक और सियासी पार्टी जो है वो वजूद में आने जा रही है। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी की भी एक वक्त में लहर देखने को मिल रही थी, लेकिन आजकल अगर हम देखें तो आजकल आज़ाद लहर देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के बाद एक और नई सियासी पार्टी जो है वो वजूद में आने जा रही है। क्या लगता है आम आदमी पार्टी को एक और नई पार्टी वजूद में आने से कोई नुकसान झेलना पड़ेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी किसी भी चुनौती से घबराती नहीं है। सियासी दल आएँ और ज़्यादा आएँ, डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत हो स्टेट के अंदर, हमें उससे कोई नुकसान नहीं है। आम आदमी पार्टी की लहर को अगर आपको देखना है ना ज़फ़र, आपको अपना चश्मा उतारना होगा और लोगों की नज़र से देखना होगा। जो लोग आज दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो लोग आज परेशान हैं, प्रभावित हैं उनकी जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उनसे, आपको देखना होगा कि लोग किस तरह से आज चाहते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल साहब का हाथ मजबूत किया जाए, किस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा जाए। ताकि मैं आपको बताऊं कि कितने लोग खुद से यहाँ आते हैं कि मैम हम मेंबरशिप लेना चाहते हैं, कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी, क्या तरीका है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी ही एक विकल्प है यूटी के, हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के लिए नहीं, मैं कहती हूँ पूरे देश के लिए ही एक विकल्प है, तो वो है आम आदमी पार्टी। क्योंकि जो दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस जिससे आज प्रभावित है पूरा विश्व, मैं देश की बात नहीं करती, और उससे प्रभावित होकर आज पूरे देश ने ये मन बना लिया है कि आज वो देखते हैं कि भावी प्रधानमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल साहब को। मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई और लोगों के लोकहित के कार्य वहाँ किए, हमने हर वर्ग को किस तरह से सुविधा मिल सके, किस तरह से उनके लिए काम करना है उस पर काम किया, हमने युवा को कैसे रोज़गार मिले इस पर काम किया, महिला उत्पीड़न ना हो उस पर काम किया, बच्चों को कैसे एजुकेशन मिल सके उस पर काम किया, बिजली किस तरह से लोग सताए ना जा सकें बिजली की कटौती से और बिजली के लंबे लंबे जो बिल हैं उनकी मार से ना मारे जा सकें उस पर काम किया। तो आम आदमी पार्टी किसी चुनौती से कम नहीं करती, क्योंकि हमारे पास अपना एक रोड मैप है जो हम लेके चलते हैं और लोगों के बीच में लेके जाते हैं, और आज जो आम जनता है वो हमारी इन नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी का हाथ मजबूत कर रही है। और मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में आने वाला समय, जो एक भविष्य जम्मू कश्मीर देखता है वो आम आदमी पार्टी के साथ देखता है, और उसने ये तय कर लिया है कि आम आदमी पार्टी को वो सत्ता में यहाँ लाएगा, ताकि हम जो एक जन सेवा के भाव से राजनीति में आए हैं हम लोगों को एक मौका देगा, ताकि हम जो यहाँ पे करप्शन फ्री स्टेट दे सकें इनको और लोगों के हित के लिए कार्य कर सकें और हर वर्ग के लिए कार्य कर सकें। ये जो प्रदर्शनों का शहर आपको ज़फ़र नज़र आता है, इसको तब्दील करना है खुशहाली में, इसको से अगर हम बीजेपी की बात करें मैम, बीजेपी भी दावे कर रही है 50 के पार का दावा इस बार बीजेपी कर रही है, वहीं नॉन लोकल वोटर्स का भी अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ कि क्या वो वोट डालेंगे यहां पर या नहीं डालेंगे, इस पर भी कोई क्लियरिफिकेशन अभी तक नहीं मिल पाई है। तो क्या लगता है कि बीजेपी 50 के पार इस बार जा पाएगी? मेरा तो ये मानना है कि बीजेपी लखनपुर पार, जम्मू कश्मीर के लोगों ने आज आक्रोश में है और उन्होंने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। इन्होंने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हर वर्ग को सताया है, आज हर वर्ग परेशान है। आप देखिए किस तरह से डेली वेजर्स कितने महीनों से सड़कों पे हैं और उन पे ये लाठियां चलाते हैं, मेरा युवा बेरोजगार है उस पे ये लाठी चलाते हैं, मेरी बहनें एनएचएम की हों, होमगार्ड्स हों, उन पे ये लाठियां चलाते हैं। इनके पास देने को लाठियों के अलावा जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं। आज हर वर्ग इनसे परेशान है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो। आप देखिए किस तरह से छोटे व्यापारी से लेकर बड़ा व्यापारी आज परेशान है। हम नॉन लोकल वोटर्स को भी इस बार वोटिंग राइट दिया जा रहा है, क्या लगता है कि ये बीजेपी की प्लानिंग है कि वो 50 सीटें किस तरह से पूरी कर पाए? देखिए जफर जी, मेरा ये मानना है कि जो कहते थे ना चिंता नहीं करनी, सबसे ज़्यादा चिंता आज उनको है, क्योंकि लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया। लोगों ने पहली बार, हमारे बुजुर्ग बेवकूफ़ नहीं थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पिछले 70 सालों में कभी भी जम्मू कश्मीर में सत्ता नहीं दी। वो जानते थे कि ये जो हैं ये ऐसे लोग हैं जो जम्मू को, जो पूरे देश को ठगते हैं,
ये वो लोग हैं जो प्याज टमाटर को छुपा देते हैं और वक्त आने पे उसे महंगा करके बेचा करते हैं। ये आज लोगों ने फिर भी इनके झूठे वादों पे भरोसा किया और यहाँ से 25 MLA ने दिए। मैं आपके माध्यम से इन्हें प्रश्न करना चाहती हूँ कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ये बताएं कि इन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या कार्य किए। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये पूरे विफल रहे और आज ये परेशान हैं कि अभी तक तो ये मोदी जी के नाम पे वोट ले रहे थे, अब इन्हें पता है कि आज जनता आक्रोश में है। आज जनता इनसे प्रश्न पूछ रही है कि आपने किया क्या लोगों के लिए। आज कुछ करने की बजाय हमारी सड़कों को आपने प्रदर्शनों से भर दिया, हमारे युवा को बेरोजगार कर दिया, उसका भविष्य अंधकारमय कर दिया, महिलाओं का भविष्य अंधकारमय कर दिया। आप वादे करके आए थे कि बहुत हुआ महिला पे अत्याचार, आपने उस महिला अत्याचार को रोकने के लिए ऐसे कौन सी पॉलिसीज बनाई, आपका क्या प्रोग्राम रहा? आप क्यों नहीं बात करते महिला आरक्षण बिल पे, क्यों नहीं पास करते उसे, क्यों ठंडे बस्ते में है वो? तो आपको किसी भी वर्ग की कोई चिंता नहीं है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। उसके विपरीत अगर हम आम आदमी पार्टी को देखें, वो हर वर्ग की चिंता करता है और उनके लिए किस तरह से एक पॉलिसी बनाई जाए, किस तरह से उनके लिए प्रोग्राम्स बनाए जाएं, उस पर कार्य करता है और सक्रिय कार्य करता है। युवा को रोज़गार किस तरह से मिले, किस तरह से इंडस्ट्रीज़ डेवलप हों और लगाई जा सके, उस इंडस्ट्रीज़ को किस तरह से सब्सिडाइज रेट पे बिजली मिल सके, उनको किस तरह से और सुविधाएं दी जा सकें ताकि इंडस्ट्रीज़ अच्छे से ग्रो कर सकें। उसी के विपरीत आप यहाँ देखिए आज परिस्थितियाँ क्या बनी हुई हैं। यहाँ के होटलियर्स होटल बंद कर रहे हैं, यहाँ का व्यापारी आज व्यापार बंद कर रहा है, बड़े से बड़ा व्यापारी आज सुसाइड करने पे लगा है। तो मुझे ये लगता है कि आज लोग जो हैं आज समझ चुके हैं, जो भाजपा है ये झूठ बेचती है और सपने बेचने का कार्य करती है। आज ही अपनी ग्राउंड खिसकती हुई महसूस करते हुए इन्होंने एक 25,000,000 वोटर का जो एक फिलर फेंका था। आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप इस पे संशोधन करें कि अगर ये 25,00,000 वोटर ये ले आते हैं बाहर से और यहाँ डालते हैं, आप मान लीजिए ये 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो इन्होंने अब बनाई, जो हमारा अब ये इन्होंने डिलिमिटेशन के बाद, इसका मतलब कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 27,000 वोटर ये बाहर से ला के देंगे। इसका मतलब जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो बाहर का वोटर होगा। आप ये मानिए कि ये, और जम्मू कश्मीर का युवा और लोग ये जानते हैं कि कश्मीर में जहाँ आज भी टारगेट किलिंग का हमें सामना करना पड़ता है, तो लोग तो सारा ये जो वोटर है ये कहाँ आएगा, ये तो जम्मू पे आएगा। तो इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियाँ किस तरह से सेकनी है ये उस पर काम करते हैं। जब जनता ने प्रश्न इनसे पूछा तो इलेक्शन कमीशन को सामने आके बताना पड़ा कि ये जो वोटर है ये इस तरह से ऐड होगा। देखिए मेरा ये मानना है कि जब 2011 की जनसंख्या इन्होंने लाई सामने, उसके आधार पर 2018 में सिर्फ 4,00,000 वोटर की वृद्धि हुई। हम मान लेते हैं कि हम गोरखा समाज को ऐड करते हैं, पीएजी के रिफ्यूजीज को ऐड करते हैं, और एडिशन जो युवा की होती है 18 साल से ऊपर उसको ऐड करते हैं, महिलाएं जिनको पहले ये हक नहीं था 35 से टूटने के बाद उनको ये हक मिला कि वो बाहर विवाह करके भी यहाँ वोट डाल सकती हैं, उनको ये ऐड करते हैं। फिर भी ये आंकड़ा मुझे लगता है 5.25 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये किस तरह से 25,00,000 का आंकड़ा इन्होंने दिया, क्या बताना चाहते थे और जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्होंने क्या समझ रखा है? आज जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर का बुजुर्ग आज हताश है, आज आक्रोश में है और प्रश्न पूछता है इनसे, और आने वाले समय में इनको मुंह तोड़ जवाब देगा और उखाड़ फेंकेगा इस भारतीय जनता पार्टी की गली से किसी सरकार को। मुझे लगता है आज ये अपना हक खो चुकी है कि ये यहाँ सरकार में बनी रहे। इनको खुद ही यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके वापस जाना चाहिए, यहाँ चुनाव कराए जाने चाहिए और यहाँ पे एक चुनी हुई सरकार हो जो लोगों के हितों के लिए काम करे, लोगों के लिए काम करे। एक ऐसी सरकार यहाँ आए जो एक आम आदमी पार्टी ही इन्हें दे सकती है। मेरा ये मानना है जिस तरह से पंजाब और दिल्ली के अंदर एक अच्छा मॉडल ऑफ गवर्नेंस हमने दिया है, उसी के तर्ज पे जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ना है और अरविंद केजरीवाल जी का हाथ और मजबूत करना है, क्योंकि वही आने वाले भावी प्रधानमंत्री होंगे, तभी देश को एक उज्ज्वल भविष्य मिलेगा। हमारी जम्मू कश्मीर को एक उज्ज्वल भविष्य दे सकते हैं, युवा को उज्ज्वल भविष्य दे सकते हैं, महिला को उज्ज्वल भविष्य दे सकते हैं। तो एक सोच के साथ आम आदमी पार्टी आगे चल रही है कि हमें लोगों को किस तरह से सर्व करना है। एज अ आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता मैं जानती हूँ कि हमें कहा जाता है कि लोगों को किस तरह से
आपने सुविधाएं देनी है, लोक हित में किस तरह से काम करना है। अभी तो हम सत्ता में नहीं है, फिर भी हम किस तरह से उनको कोई सुविधाएं दे सकें, किस तरह से हम उनकी आवाज़ को बुलंद कर सकें, इसके लिए हमें रोज़ कहा जाता है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उस आखिरी शहरी तक भी पहुँचें जो दूर दराज गुरेज में रहता हो, जो दूर दराज इलाके में रहता हो, चाहे वो पीर पंचाल का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो हमारा इस तरफ डोडा ये हमारा कठुआ बनी बसोली का हो, हमारा ये मानना है, चाहे बॉर्डर बेल्ट बिश्ना अरनिया अला का हो, मेरा ये मानना है और आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि ये लोग आज मन बना चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ उन्हें चलना है और आने वाले समय में वो आम आदमी पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बना के देंगे। ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। शुक्रिया आपका। नम्रता शर्मा जी थी हमारे साथ, जिन्होंने मुख्तलिफ मसाइल को लेकर हमारे साथ बातचीत की और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार बीजेपी 50 के पार नहीं बल्कि लखनपुर के पार जाएगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए आप इंक्वायरर टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।